हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस की वजह से पहली बार इतिहास में चैत्र मास के मेलों के दौरान बाबा बालकनाथ मंदिर के कपाट बंद हुए हैं। कोरोना वायरस को महामारी घोषित होने के चलते हिमाचल सरकार ने प्रदेश के सभी शक्तिपीठों को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया है, जिसके चलते बाबा बालकनाथ मंदिर में पहुंचे श्रद्धालुओं को बिना दर्शन किए ही लौटना पड़ा, जिस कारण श्रद्धालुओं में निराशा है। वहीं महंत राजेंद्र गिरी जी महाराज ने श्रद्धालुओं को घर पर ही बाबा जी के भजन कीर्तन करने की सलाह दी है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना वायरस को लेकर सभी मंदिरों के कपाटों को बंद कर दिया है, जिसके चलते पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व अन्य राज्यों से आए श्रद्धालुओं को निराशा हाथ लगी। अधिकतर श्रद्धालुओं को बिना दर्शन किए ही लौटना पड़ा। इतिहास में पहली बार हुआ है कि चैत्र मास के दौरान बाबा बालकनाथ मंदिर के कपाट बंद हुए हैं। वहीं कोरोना वायरस को महामारी घोषित होने के चलते प्रदेश सरकार ने लोगों से एहतियात बरतने की सलाह दी है, लेकिन दूसरे राज्यों से आए श्रद्धालुओं को बाहर से ही बाबा के दर्शन करने पड़े, जिस कारण उनमें निराशा देखने को मिली। वहीं कुछ श्रद्धालुओं ने सरकार के इस फैसले की सराहना करते हुए कहा कि कोरोना जैसी भयंकर बीमारी से बचने के लिए इस तरह के कदम उठाना आवश्यक था। कोरोना वायरस के समाप्त होते ही दोबारा बाबा बालकनाथ मंदिर में शीश नवाने पहुंचेंगे। क्या नाम है जी आपका? मैं दुर्गेश वर्मा, जलंधर से हूँ। नवा पिंड चौके नकोदर से बाबा जी जीत गुरु जी के साथ बाबा बालकनाथ और पिंडगाह दर्शन के लिए बाबा जी के टोली के साथ पूरे आए हुए हैं, और हम बाबा जी के गुफा के पास पहुँच के बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हमारी दर्शन नहीं हो पाई बाबा जी की। और वहाँ पहुँचने के बाद प्रशासन से हमें पता लगा कि कोरोना वायरस की वजह से मंदिर को 2 बजे बंद कर दिया गया है। इसके वजह से भारी संख्या में पहुंचे हुए नवा पिंड चौकिया की संगत परेशानी उठाते हुए और वहां से प्रशासन के दर्शन ना कराने की वजह से हम वहां से फिर हमें उसी टाइम छोटे छोटे न्याने लेके वापस आना पड़ा। और बहुत ही भारी और दुख के साथ हम बाबा जी के मंदिर के बाहर ही चढ़ावा चढ़ा के मत्था टेक के वापस हम पीर निगाह को जा रहे हैं। जकारा पौना हरि जी का, जकारा सच्चे दरबार का। ठीक है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम सुशील बेटी। सुशील जी, आप बाबा जी के दर पे आए, क्या कहेंगे? जकारा पौना हरिदा, बहुत सच्चे दरबार की जय। हाँ जी, असी कल परसों के बाबा जी दे आए हैं। ठीक है जी, कोरोना वायरस की वजह करके असी मत्था नहीं टेक पाए, तो ना तो उपर जा नहीं देंगे। ठीक है जी, असी गड्डी लै गए सी उपर, सानू कहिंदे नहीं जाना, मंदिर बंद आ। तो कल असी गए सके माता चिंतपुरनी दे, उत्थे भी 10 बजे तो बाद मंदिर बंद कर दिता सगा। ठीक है जी, तो संगतां नू परेशानी हो रही है, तो मेरी तो यही बेनती है सारिया संगतां नू कि इत्थे जिद्दां गल्लां करदे आ 31 मार्च तक मंदिर सारे बंद रहणगे। ठीक है जी, 31 मार्च तो बाद ही सारा कुछ बाबा जी की कृपा नाल खुलूगा, तो फिर संगतां दर्शन करन आउण। ठीक है जी, जकारा पौना हरि दा, बहुत सच्चे दरबार की। वहीं श्री श्री 1008 महंत राजेंद्र गिरी महाराज ने श्रद्धालुओं से अपील करते हुए कहा कि श्रद्धालु चैत्र मास के दौरान घर पर ही बाबा के भजन कीर्तन करें। सबसे पहले तो सभी भक्तजनों को जय बाबा बालकनाथ जी महाराज जी की। बाकी चैत्र मास चल रहा था तो इस दौरान जो देश में जो बीमारी फैली है वायरस की वजह से, सभी जगह पर जो है सभी जनमानस भक्तों की सुरक्षा के लिए सरकार के द्वारा जो निर्णय लिया गया यह सराहनीय है, क्योंकि सुरक्षित, अगर हम सुरक्षित हैं, हमारा जीवन सुरक्षित है, तभी सब कुछ है जीवन में। तो आप सभी भक्तजन भी इस चीज़ का सहयोग करें, क्योंकि जब आप दरबार पे आएंगे कहीं और बाहर होंगे तो आप हर तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा, बच्चे भी साथ होंगे, बुजुर्ग भी होंगे, इसलिए आप घर में रहें। घर में हैं तो आराम से रहें, और धीरे धीरे जब स्थिति सामान्य होगी तो आपको मैसेज आएगा कि सभी पीठ जो हैं खोल दिए गए हैं। हिमाचल में सारे पीठ, माता चिंतपूर्णी, ज्वाला जी, बाबा बालकनाथ जी महाराज, नैना देवी, सभी पीठ जो हैं अनिश्चितकाल के लिए बंद किए गए हैं। तो आप सभी भक्तजन निराश ना हों, क्योंकि जल्दी ही जो है यह समस्या खत्म होगी और सभी दर्शनों के लिए आएंगे। और चैत्र मास चल रहा है, इसमें जो आप घर बैठ के ही उतना समय जो है धूप दीप पूजा अर्चन नित्यनियम पूर्वक जो है भजन कीर्तन पूजा पाठ करें और इसका चैत्र मास का लाभ उठाएं।
कार्यक्रम में वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का ही मिलते हैं ब्रेक के बाद।